जय श्री राधा कृष्ण। हे मेरे गोविंद, मेरी आंखों के ख्वाब दिल के अरमान हो तुमसे ही तो मैं हूँ, मेरी पहचान हो तुम। मैं जमी हूँ अगर तो मेरे आसमान हो तो, सच मानो तो मेरे लिए सारा जहां हो तो, जीने की वजह और दिल का सुकून हो तो। बोले आगे बिहारी लाल की जय। जय मेरे श्यामा श्याम की जय। ऊंची अटारी वाली की जय। रस बरसाने वाली की जय। देखो वृंदावन की महिमा बड़ी ही अद्भुत है। वृंदावन अपने शरण में आए हुए किसी भी भक्त का, किसी भी संत का, किसी भी गृहस्थ का गुण दोष नहीं देखता। जो भी उसकी शरण में जाता है, वृंदावन की रज उसका उद्धार कर ही देती है, उसे सद्गति मिल ही जाती है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जिस पर हमारी करुणामयी श्री राधा प्यारी की कृपा नहीं होती, उसे वो मरण के समय किसी ना किसी बहाने से ब्रज क्षेत्र से बाहर भेज देती है, क्योंकि जो ब्रज में प्राण छोड़ेगा उसे राधा कृष्ण की शरण तो मिलेगी ही मिलेगी। और इसलिए कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो व्यक्ति जन्म से ही वृंदावन में रह रहा होता है, उसका मरण वृंदावन के बाहर हुआ। इसके विपरीत आप देखो, जिस पर राधा कृष्ण की कृपा होती है, वो अगर ब्रज के बाहर भी हो तो भी हमारे राधा कृष्ण उन्हें अंतिम समय कैसे भी वृंदावन बुला ही लेती है। इस बात के एक दो नहीं, बहुत से प्रमाण हमारे पास है। पर आज इस वीडियो में आपको एक दिल छूने वाली, भक्ति बढ़ाने वाली और अपने राधा कृष्ण के प्रेम और करुणा को समझाने वाली सत्य घटना बताती हूँ। हुआ क्या, एक महात्मा जी थे जो वृंदावन में वास करते थे। भक्तों के कहने पर वो सत्संग के लिए बहुत दिनों से जयपुर में रह रहे थे। 26 नवंबर 1987 को उन्हें सपने में राधा प्यारी का आदेश मिला, जिसमें महारानी उन्हें कह रही थी कि बाबा शीघ्र वृंदावन चले आ। सुबह ही बाबा ने अपने शिष्य श्री बलदेव राम गुप्ता जी से कहा कि मुझे राधा रानी ने वृंदावन बुलाया है, मुझे शीघ्र ही वृंदावन ले चलो। ऐसे सपने में आकर राधा रानी को ये कहना, ये बात श्री बलदेव जी को कुछ अटपटी सी लगी। मतलब वो सोचने लगे कि ऐसा क्या काम है जो वृंदावन में ही होगा। मतलब राधा रानी अगर कोई सेवा चाहती हैं तो वो यही बता सकती थी, या उन्हें ये भी लग रहा था कि हो सकता है कि ये सपना बाबा जी का वहम मात्र हो, ऐसा कुछ हो ही ना। पर बाबा जी की बात तो वो टाल नहीं सकते थे। श्री बलदेव जी बाबा जी को क्या ही कहते, वो उन्हें लेकर मोटर गाड़ी से वृंदावन जाने के लिए निकल पड़े। जाते समय बाबा जी ने अपने सभी शिष्यों और प्रेमी जनों को बुलाकर उनसे अंतिम विदाई ली। बाबा जी को इस तरह विदाई लेता देखकर बलदेव जी को बड़ा अजीब लग रहा था। उनके मन में गंभीर शंका सी आ रही थी, पर उन्होंने समझा कि शायद अब लंबे समय के लिए ही बाबा वृंदावन जा रहे हैं, हमेशा के लिए ही शायद अब वृंदावन जा रहे हैं, इसलिए सबसे इस तरह से विदा ले रहे हैं। अब वो बेचारे क्या जाने कि राधा रानी ने उन्हें स्वयं आकर क्यों वृंदावन बुलाया था। बलराम जी बाबा को लेकर वृंदावन पहुंच गए। बाबा के साथ ज्ञान गुदड़ी में एक भक्त श्री आत्मा राम शर्मा जी के घर पर ठहरे। शाम के समय बाबा बलदेव जी को साथ लेकर लोई बाजार गए और वहां से उन्होंने एक छोटा सा चित्र राधा कृष्ण और गौर निताई का खरीदा। बाबा ने बलदेव जी से कहा कि तुम घर जाओ, मैं जो दूसरे शिष्य हैं मुरारी लाल जी उनके घर होकर अभी आता हूँ। बलदेव जी भक्त आत्मा राम जी के घर वापस चले गए। देर रात तक बाबा आत्मा राम जी के घर नहीं पहुंचे। बलदेव राम मुरारी लाल के घर पहुंच गए तो वहां जाके उन्हें पता चला कि बाबा तो आए ही नहीं है। अब सब बड़े हैरान परेशान कि बाबा गए तो गए कहां। दूसरे दिन और तीसरे दिन बलदेव राम जी, आत्मा राम जी और मुरारी लाल सब के सब सारा वृंदावन खोजने में लग गए। बाबा जी का कहीं कुछ अता पता ना चला। उनके संबंध में
उनके मन में चिंता हो रही थी, शंका जाग रही थी, कहीं राधा रानी ने उन्हें सदा के लिए अपने निज धाम में तो नहीं बुला लिया है। और शंका की पुष्टि हुई जब दो दिन के बाद अमर उजाला अखबार में खबर छपी कि एक महात्मा का शव निधि वन में राधा रानी के रंग महल के नीचे गुफा में मिला है। भक्तगण दौड़े निधि वन पहुंचे तो देखा वहां उन बाबा जी का ही शव था। राधा रानी अपनी सहचरी रूप में उन्हें ले गई थी। निज निकुंज में बाबा तो राधा जी के साथ चले गए और उनका पार्थिव शरीर वहां पड़ा रह गया। अब आपको पता है वो बाबा जी कौन थे? वो बाबा जी थे कलकत्ता के पाटवाड़ी के सिद्ध श्री रामदास बाबा जी महाराज के शिष्य श्री राधा रमन दास जी। श्री राधा रमन दास जी महाराज का जन्म 14 अप्रैल 1932 को बंगाल के जिला 24 परगना के अंतर्गत मल्टीग्राम में एक धर्मपरायण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री विनय कृष्ण एक जमींदार और कलकत्ता हाईकोर्ट में प्रसिद्ध वकील थे। इनकी माता श्रीमती मेनका देवी परम साध्वी और उदार हृदय की महिला थी। जब इनकी माता 5 वर्ष की थी तब ही उनके पिता ने उन्हें कलकत्ता पाटवाड़ी के सिद्ध संत श्री रामदास बाबा जी महाराज से दीक्षा दिलवा दी थी, गुरु मंत्र दिलवा दिया था। माँ ने राधा रमन दास जी को भी बहुत छोटी अवस्था में ही रामदास बाबा जी महाराज से दीक्षित करवा दिया था। अच्छा, राधा रमन जी में भक्ति का संचार उनके हृदय में माँ के भक्तिमय जीवन और उनके उपदेशों के प्रभाव से तो बहुत पहले बचपन में ही हो चुका था, पर जब से उन्होंने श्री रामदास बाबा जी महाराज से दीक्षा ली उनकी अवस्था कुछ और ही हो गई। उनके हृदय में निताई गौर और राधा कृष्ण की मधुर स्मृति सदा बनी रहती, नेत्र हमेशा डबडबाए रहते, भरे भरे रहते, बिल्कुल अभी बरस पड़ेंगे, अभी वो रो पड़ेंगे। वो अक्सर एकांत में जाकर घंटों ध्यान मग्न होकर बैठे रहते। और पता है, याद रखना, भक्त का ये भाव होता है जब उसको एकांत खालीपन अच्छा लगे जिसमें वो घंटों बैठ सकता है, इसका मतलब समझना आपके मन में चिंतन चल रहा है। और जो कलयुगी जीव होते हैं ना, वो अपने चारों तरफ बस शोर शराबा और लोगों को चाहते हैं। हमारे बाबा का पूरा जीवन ऐसी स्थिति में ही व्यतीत हुआ। रामदास बाबा जी महाराज द्वारा दीक्षित होने के बाद से उनके नेत्रों से जो अशुभ प्रभाव हुआ करता था वो अंत समय तक यूं ही चलता रहा। ऐसी स्थिति में ही उन्होंने विद्या अध्ययन भी किया। कॉलेज में पढ़ते समय भी वो सदा उदास और बिल्कुल एकदम खोए खोए से ही रहते थे। ना ज्यादा किसी से बात करते, ना खेल कूद में भाग लेते, बहुत अधिक समय पढ़ने लिखने में व्यतीत करते थे। उनका अधिकांश समय एकांत में नाम जाप करने में ही व्यतीत होता था। पर वो थे बहुत इंटेलिजेंट, इसी से उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करी और स्वर्ण पदक भी जीता। इसके बाद अब उनके माता पिता को विवाह की चिंता हुई। उन्होंने विवाह के लिए एक बहुत सुंदर बीए पास लड़की को देख लिया। राधा रमन जी विवाह नहीं करना चाहते थे, उनकी इच्छा थी वृंदावन जाकर भजन करने की। पर विवाह की बात तो बड़ी तेजी से घर में जोर शोर से चल रही थी। राधा रमन जी अपने आप को जीवन यात्रा के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा पा रहे थे जहां उन्हें अपने भावी जीवन के लिए एक निर्णय तो करना अब बहुत जरूरी था। एक तरफ उनके सामने गृहस्थ जीवन था और दूसरी तरफ वैराग्य जीवन, और उनको इन दोनों में से एक चुनना था। अब उसी समय क्या हुआ, एक दिन उन्होंने सपने में नित्यानंद प्रभु के सन्यास वेश में दर्शन किए। इस सपने को देखकर उन्होंने वैराग्य वेश ग्रहण करके भजनशील जीवन जीने का पूरा मन बना लिया, क्योंकि उनको ये लगा कि नित्यानंद प्रभु ने उन्हें ये संकेत दिया है। दूसरे ही दिन वो माता पिता के मोह और सांसारिक सुख सुविधाओं को त्याग कर वृंदावन की ओर चल पड़े। वृंदावन जाकर श्री रजनीदास बाबा जी महाराज के आश्रम में श्री माधव दास बाबा जी से संन्यास दीक्षा ले ली। कुछ दिन गुरुदेव की सेवा में रहकर श्री रजनीदास बाबा और श्री गौरांग दास बाबा जी का दिव्य संग किया।
फिर मघेरा ग्राम जाकर अपने बड़े गुरु भाई रामकृष्ण दास बाबा जी का संग किया। उन्होंने श्रीमद् भागवत, श्री चैतन्य चरित्रामृत, श्री चेतन भागवत आदि ग्रंथों का अध्ययन भी किया। इसके बाद वो राल ग्राम के पास विहार वन में रहकर भजन करने लगे। विहार वन में बाबा ने बहुत दिनों तक साधना की। वो टाट लपेट कर रहते थे, सिर्फ मधुकरी मांग कर खाते थे, दिन रात भजन में ही डूबे रहते थे। कई कई दिनों तक मधुकरी के लिए जाते ही नहीं थे, भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाते थे, और जब भी जरूरत होती या उनको बहुत भूख लगती तो मधुकरी की जो रोटियां सूखी हुई रोटियां होती थी उन्हें ही पानी में भिगोकर उसको खा लेते थे। और ऐसा बहुत लंबे समय से करते रहने के कारण उनके पेट में अल्सर हो गया। पेट में बहुत तकलीफ, बहुत भयानक दर्द और बेचैनी उनको रहने लगे। चिकित्सा के लिए मजबूरी में उनको कलकत्ता जाना पड़ा। वहां अस्पताल में भर्ती हो गए। 45 दिनों तक चिकित्सा यूं ही चलती रही। उनके छोटे भाई सचिवलाल और उनकी भतीजी कुमारी नंदिनी उनकी सेवा कर रहे थे, पर उनकी अवस्था बिगड़ती ही जा रही थी। खाना पीना एकदम बंद हो गया। पाइप से नाक के रास्ते से पेट में दूध डाला जाता था। एक दिन शाम के समय उनका पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा था। स्पेशल डॉक्टर्स की टीम आई। 4 डॉक्टर उनके पास खड़े थे और उनके बारे में अंग्रेजी में बातें कर रहे थे। एक ने कहा, आज की रात इनके लिए बहुत डेंजरस है। दूसरे ने कहा, हाँ हो सकता है आज रात इन्हें खून की उल्टी हो और इनकी मौत हो जाए। बाबा को अंग्रेजी आती थी, उन्होंने डॉक्टर्स की बात समझ ली। बाबा को मृत्यु का भय नहीं था, पर चिंता इस बात की थी कि उनकी मृत्यु वृंदावन से बाहर कलकत्ता के इस अस्पताल में होगी। यही बाबा के लिए सबसे ज्यादा डरावनी बात थी। वो राधा रानी से प्रार्थना करने लगे, हे स्वामिनी, हे दयामय सरकार, मुझे क्यों वृंदावन से बाहर निकाल दिया? यहां कुत्ते की मौत मरने को, लगता है मैंने तुम्हारे चरणों में जरूर कोई बड़ा अपराध किया है, और या फिर मैंने अब तक तुम्हारा कुछ भजन नहीं किया। शायद सिर्फ मैंने भजन करने का कोई ढोंग ही किया है, नहीं तो क्या तुम मेरे साथ ऐसा करती? मुझे दर्शन नहीं देती, अपने चरणों की सेवा में नहीं रखती, पर वृंदावन में मृत्यु तो दे ही सकती थी। तुमने मुझे इसके भी लायक नहीं समझा। ना समझा तो ना सही, हो सकता है मैं योग्य अयोग्य जैसा भी हूं तो सिर्फ तुम्हारा ही। मैंने ढोंग किया तो ढोंग भी तो तुम्हारे भजन का ही किया ना, तुम्हारा नाम रटने का ही किया ना। क्या उस ढोंग का इतना भी मूल्य नहीं कि तुम मुझे वृंदावन की रज्जी दे देती? अंतिम समय मुझे वो रज्जी मिल जाती। तुम तो परम उदार हो स्वामिनी, तुम तो बड़ी दयालु कृपालु हो। तुम्हारा एक बार नाम जो गलती से भी ले ले उसे भी तुम मुक्ति दे देती हो, परम गति दे देती हो। फिर मेरी ऐसी दुर्गति क्यों? स्वामिनी दया करो, स्वामिनी दया करो, दया करो, दया करो। और ये कहते कहते उनके दिल से ऐसी वेदना भरी चीख निकली और वो एकदम मूर्छित हो गए। भक्त वत्सल, स्वामिनी क्या बाबा की चीख सुनकर भी बिना आए रह सकती थी? वो भागिया, श्री कृष्ण भी उनके साथ है। मूर्छा की अवस्था में बाबा को उन्होंने दर्शन दिए। बाबा ने अधखुली आंखों में देखा कि स्वामिनी अपना दाहिना हाथ उठाकर उन्हें अभेदान दे रही है, और श्री कृष्ण उनके पेट पर हाथ फिराते हुए पूछ रहे थे कि कहां दर्द हो रहा है। और बाबा उस समय क्या बताते, वो तो उनके रूप सौंदर्य को बस देखे जा रहे थे, कुछ कह नहीं पा रहे थे, और दर्द दर्द तो कहीं भी नहीं था, बिल्कुल कुछ उनको एहसास नहीं हो रहा था। उन मतलब अगर दर्द होता भी कैसे, कान्हा का हाथ जो पेट के ऊपर था वो तो दर्द तो एकदम ही छू हो गया था। और तभी अचानक राधा और कृष्ण दोनों ही अंतर्ध्यान हो गए। बाबा बैठे बैठे उनको स्मरण करे, और ये भी अत चेतना में, मतलब वो बेहोश थे या जगे हुए थे नहीं पता। दूसरे दिन डॉक्टर्स के आश्चर्य की सीमा नहीं रही।
जब उन्होंने देखा कि जिस रोगी के कल रात मृत्यु के लक्षण दिख रहे थे, जो रोगी बिस्तर पर पड़ा पड़ा दर्द से चीखे मार रहा था, जिसे जबरदस्ती नाक के रास्ते से खाना खिलाया जा रहा था, जो गले से कुछ सटक नहीं पा रहा था, वो आज ऐसे अपने आप उठकर बैठा हुआ है और बार बार खाने को मांग रहा है। बाबा एकदम स्वस्थ होकर वृंदावन लौट आए और अपने भजन स्थली विहार वन में जाकर रहने लगे। बाबा अब स्वस्थ हो गए थे, मतलब उनका शारीरिक रोग तो बिल्कुल ठीक हो गया था, पर जो उनका प्रेम रोग था वो बहुत अधिक बढ़ गया था। जब से राधा कृष्ण ने उनके ऊपर कृपा की, उनकी प्रेम अग्नि और ज्यादा प्रज्वलित हो गई थी। राधा कृष्ण उनकी पुकार सुनते ही आ जो गए थे। श्री कृष्ण ने उनसे प्यार से उनकी पीड़ा के बारे में ऐसा पूछा और उन्हें उस पीड़ा से मुक्त यूं ऐसे तुरंत ही कर दिया। और राधा रानी जी ने उन्हें अभय वरदान जो दिया था, है ना बाबा, ये सब कैसे भूल सकते थे। और उनको ये लग रहा था कि अब मैं उन्हीं का, मतलब ये भी कितनी बड़ी बात होती है। और तभी से राधा रमन बाबा जी को राधा कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम, ऐसा भाव हो गया कि क्या ही बताऊं। बाबा के प्राण अब उनके लिए सदा छटपटाते से रहते। कभी कभी वेदना इतनी अधिक बढ़ जाती थी कि उनको मूर्छा ही आ जाती थी, वो बेहोश होकर गिर पड़ते थे। आंसू तो हमेशा बहते ही रहते थे और सात्विक भाव उन पर क्षण क्षण में आते रहते थे, मतलब और लोग भी उनको देख पाते थे। बहुत दिन विहार वन में रह चुकने के बाद बाबा गोवर्धन के अंतर्गत जातिपुरा में राघव पंडित की गुफा में जाकर रहने लगे। उस समय वो सिर्फ मट्ठा और नीम की पत्तियां खाकर ही रहते थे और हमेशा भजन चिंतन में ही डूबे रहते थे। उनके ज्ञान, प्रेम, वैराग्य और भक्ति भाव से प्रभावित होकर अब उनके बहुत से शिष्य और भक्त भी हो गए थे। वो उनकी देखभाल करने लगे थे। वो कभी उन्हें आग्रह पूर्वक अपने अपने घर भी ले जाते थे और उनकी सेवा करते थे। 1973-74 में बाबा जयपुर में सुख संप्रदाय के प्रसिद्ध स्थान दरीवा पानी में स्थित सरस कुंज में भी रहे। वहां अखंड हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया गया। संकीर्तन के बाद नगर शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें भावपूर्ण अवस्था में नृत्य करते करते बाबा वहीं सड़क पर मूर्छित होकर गिर गए। राधा कृष्ण की कृपा प्राप्ति सिद्ध संतों की भांति बाबा के चरणों में सिद्धियां लौटने लगी थी। कभी कभी उन्हें संसार के दुखी जीवों को कृपा दिलाने के लिए उन सिद्धियों का प्रयोग भी करना पड़ता था। एक बार वो जयपुर के पास एक गांव में गए। वहां 2 साल से बारिश नहीं हुई थी और इस तरफ से चारों तरफ त्राही त्राही हो रही थी। लोगों ने दुखी होकर बाबा से अपना हाल बताया और उपाय की प्रार्थना की। कुछ देर चुप रहने के बाद बाबा बोले, आज ही वर्षा हो जाएगी। और कुछ ही देर के बाद, मतलब जो एकदम साफ आसमान था, जो गर्मी बरसा रहा था, वो उसमें एकदम ही काले बादल घुमड़ घुमड़ कर आ गए और घनघोर बारिश हो गई। 1 घंटे तक घनघोर बारिश होती रही, पृथ्वी की प्यास भी बुझ गई। ऐसा था हमारा बाबा का चमत्कार। जयपुर में रहते हुए एक बार बाबा अपने शिष्य श्री बलदेव राम जी के साथ कंडोरे वाले पंडित जी श्री जगन्नाथ जी के घर सवाई माधो में गए। सूर्यास्त के समय जब स्टेशन वापस लौट रहे थे तो रास्ता भूल गए, जंगल में भटक गए। उस समय उन्हें काली अंधेरी रात में भील बालकों के वेश में अपने श्री कृष्ण के दर्शन हुए। भील बालक के रूप में श्री कृष्ण ने उनसे कहा, बाबा आप स्टेशन जाएंगे, चलिए मैं पहुंचा देता हूं। इतना कहकर जैसे ही उन्होंने बाबा का हाथ पकड़ा, अगले ही क्षण उन्होंने देखा कि वो और बलदेव राम स्टेशन पर खड़े हुए हैं। मतलब जस्ट इमेजिन करो कि अभी बस हाथ पकड़ा और अगले ही पल हम वहां थे। और तभी उन्होंने देखा कि उनके सामने से जो भील बालक के रूप में श्री कृष्ण थे, वो एकदम अंतर्ध्यान हो गए। मतलब अगले ही पल कैसे पॉसिबल था, है ना। अच्छा, ये हमारे श्री कृष्ण का चमत्कार था कि वो बाबा को समय समय पे अपना साक्षात्कार करा रहे थे। एक बार बाबा को जातिपुरा में योग माया देवी और निताई गौर के भी दर्शन हुए थे। निताई गौर बाबा के सामने ही मिलकर एक हो गए और उन्होंने कहा, निताई गौर और राधा कृष्ण मैं ही हूं।
राधा कृष्ण की बाबा के साथ लुका छुपी चलती ही रहती थी। एक बार उनकी पूछरी में रहते समय श्री राधा रानी जी ने उन्हें दर्शन दिए 6-7 वर्ष की बालिका के रूप में हार सिंगार की झाड़ी में पुष्प चयन करते हुए। और एक बार जयपुर में नवरतन शर्मा जी के घर पर रहते समय माधव विलास के सामने बालिका के रूप में उनकी ओर देखकर राधा रानी मंद मंद मुस्काते हुए उनके सामने से ही अंतर्ध्यान हो गई। अच्छा, एक बार और क्या हुआ, जब वो बरसाना के गहवर वन की परिक्रमा कर रहे थे तो उस समय एक ब्रजवासी बालिका के रूप में हमारी साक्षात राधा रानी आई और बाबा से चूड़ियां पहनाने के लिए जिद करने लगी। बाबा ने उन्हें चूड़ियां पहनवाई और जैसे ही पहनवाई वो अंतर्ध्यान हो गए। बाबा तो समझ गए ये हमारी राधा प्यारी है। और फिर अटारी मंदिर में बाबा को राधा प्यारी के श्री विग्रह पर वही चूड़ियां पहने हुए दर्शन हुए। मतलब देखो, नीचे किस कलर की कैसी पहनाई वो तो सिर्फ बाबा को ही पता था ना, और वो ऊपर अटारी पे भी सेम वैसी ही थी। एक बार जब बाबा वृंदावन से रालग्राम जा रहे थे तो श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए। गोपालगढ़ के पास तमाल वृक्ष के नीचे गोप वेश में सखाओं के साथ खेलते हुए बाबा ने झोले में से निकाल कर एक लड्डू उन्हें देना चाहा, वैसे ही वो सामने से अंतर्ध्यान हो गए। एक बार एक भक्त ने भगवान श्री कृष्ण को बाबा के बिस्तर पर लेटे देखा और जैसे ही उसने बाबा को बताना चाहा, कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। राधा और कृष्ण बाबा को दर्शन देते और अंतर्ध्यान हो जाते, और इससे उनकी जो विरह वेदना है, प्रेम वेदना है, वो और बढ़ जाती थी। वो हाँ कृष्ण, हाँ राधा, हाँ किशोरी जी कह कहकर भूमि पर गिर जाते थे और कई कई दिनों की समाधि में चले जाते थे। घंटों घंटों वो ऐसे पड़े रहते थे, हिलते तक भी नहीं थे। और अंत में जब बाबा की वेदना इतनी ज्यादा पड़ गई कि उनका जीना ही मुश्किल हो गया, तब हमारी करुणामयी सरकार राधा रानी ने उन्हें जयपुर से बुलाकर अपने सखी भाव की उपासना देकर अपने निकुंज में ही शामिल कर लिया। धन्य है ऐसे ब्रज के भक्त, धन्य है। बोलो श्री राधा कृष्ण की जय। हे मेरे राधा गोविंद। वैसे तो हर किसी की नजर नजर की बात है कि किसको किसकी तलाश है। लोग दुनिया में दौलत शोहरत को बेताब है, लेकिन मुझे तो बस तेरी ही तलाश है, तेरी ही तलाश है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंशी वाले की जय, मेरे श्यामा श्याम की जय। अगर संत के प्रताप और हमारे श्यामा श्याम की कृपा की सत्य घटना ने दिल को छुआ, आंखें नम हुई, दिल में तड़प, मन में भक्ति और प्रेम बढ़ा, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।